अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेस ने दावा किया है कि कोविड-19 वायरस चीन की वुहान लैब के बजाय अमेरिका की एक प्रयोगशाला से लीक हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जेफरी सेस ने महामारी की उत्पत्ति की 2 साल की जांच का नेतृत्व किया है और वह काफी आश्वस्त हैं कि वायरस यूएस लैब बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम है। सेस ने स्पेनिश वैश्वीकरण थिंक टैंक गेट सेंटर के एक सम्मेलन में कहा, मैंने कोविड पर 2 साल तक लैंसेंट के लिए एक आयोग की अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि कोविड यूएस लैब बायोटेक्नोलॉजी से निकला है। मैंने 2 साल के गहन अध्ययन के बाद इसका उल्लेख किया, तो मेरे विचार से यह एक भूल है कि कोविड दुर्घटना या प्राकृतिक है। महामारी के 2 साल के बाद भी कोविड-19 की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। यह वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और राजनेताओं के साथ एक राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस रही है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से लोगों में फैला या एक प्रयोगशाला से लीक हो गया। पिछले महीने WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कहा था कि कोविड लैब लीक थ्योरी को आगे की जांच की जरूरत है, लेकिन फिर उन्होंने एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनेता को निजी तौर पर स्वीकार किया कि महामारी चीन की वुहान लैब से निकली है। सेस को टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। उन्होंने कहा, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और इसकी जांच अमेरिका में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वास्तविक कारणों से अमेरिकी अधिकारी बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि कोविड की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी या वुहान में। डेली मेल की खबर के अनुसार चीनी अधिकारियों ने कहा कि सेस के दावे की गहन जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेलिब्रिटी अर्थशास्त्री ने पहले दावा किया था कि महामारी चीन और अमेरिकी वैज्ञानिकों के बीच किए गए प्रयोगों का परिणाम है।